अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में Xiaomi Redmi 10 की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। अनबॉक्सिंग से पहले बात करते हैं इस मोबाइल के रिटेल प्राइस की। इस मोबाइल की रिटेल प्राइस 33,000 रखी गई है, लेकिन मार्केट में आपको 1,000 से 2,000 तक डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल के बॉक्स की। बॉक्स के फ्रंट पर मोबाइल का एक्चुअल डिज़ाइन दिखाया गया है। MI की ब्रांडिंग है, Redmi 10 की ब्रांडिंग है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्ट लिंक की 3 साल की वारंटी दी गई है, जो कि स्मार्ट लिंक एक ऑफिशियल वारंटी प्रोवाइडर है Xiaomi प्रोडक्ट्स का। राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर Redmi 10 की ब्रांडिंग दी गई है, और अगर बॉटम की बात की जाए तो यहाँ पर IMEI नंबर और कुछ स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं। बात करते हैं इस मोबाइल के वेरिएंट की। मेरे पास 6 GB रैम और 128 GB वाला वेरिएंट है, सी ब्लू कलर है। और लेफ्ट साइड की बात की जाए तो यहाँ पर भी Redmi 10 की ब्रांडिंग है, और टॉप पर PTA का स्टिकर दिया गया है। तो जल्दी से मोबाइल को अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें डिवाइस दी गई है, तो इसको साइड पर रख देते हैं। एक प्रोटेक्शन कार्ड देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर एक छोटा बॉक्स दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगर चार्जिंग ब्रेक की बात की जाए तो 18 वाट की चार्जिंग ब्रेक दी गई है, और यहाँ पर टाइप सी की चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो इसको साइड पर रखते हैं और छोटे बॉक्स की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक सिम इजेक्टर पिन दी गई है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ पेपर वर्क है, जिसमें हमें Redmi 10 की क्विक स्टार्ट गाइड दी गई है, और सेफ्टी इंफॉर्मेशन और एक वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एक सिलिकॉन केस दिया गया है, और जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो इन चीज़ों को रख देते हैं साइड पर। तो आ जाते हैं डिवाइस की तरफ। यहाँ पर आप डिवाइस का कलर देख सकते हैं, सी ब्लू कलर है, और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत कलर बनाया है Xiaomi ने। और यहाँ पर आप कैमरा मॉड्यूल भी देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा कैमरा मॉड्यूल है। तो मोबाइल को मैं ऑन कर लेता हूँ और बात करते हैं इस मोबाइल के फ़िज़िकल ओवरव्यू की। फ्रंट की बात की जाए तो फ्रंट पर 6.5 इंचज़ का LCD पैनल दिया गया है, और फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो फ्रंट पर 8 MP का सेल्फ़ी कैमरा दिया गया है। राइट साइड की बात की जाए तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट और पावर बटन देखने को मिलता है, और साथ वॉल्यूम लॉकर कीज़ दिए गए हैं। टॉप की बात की जाए तो टॉप पर एक माइक, सेकेंडरी स्पीकर और 3.5 mm ऑडियो जैक। और अगर लेफ़्ट साइड की बात की जाए तो यहाँ पर एक सिम ट्रे देखने को मिलती है। तो सिम ट्रे निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मोबाइल में हम 2 SIM कार्ड और 1 memory card एक ही टाइम पर यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और अगर बॉटम की बात की जाए तो यहाँ पर टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट, एक स्पीकर और एक सेकेंडरी माइक देखने को मिल जाता है। बैक साइड की बात की जाए तो यहाँ पर क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें 50 MP का वाइड सेंसर दिया गया है, 8 MP अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 MP डेप्थ और 2 MP मैक्रो सेंसर दिया गया है। साथ एक LED फ्लैश दी गई है, और कलर जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, लेकिन यहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मोबाइल को मैं सेटअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MIUI 12.5 की फ़र्स्ट लुक एंड्रॉयड 11 के साथ आता है। और यहाँ पर आपको मैं इस मोबाइल की जो ब्राइटनेस है वो भी चेक करवा देता हूँ। तो ये इस मोबाइल की फुल ब्राइटनेस है, और ये लो ब्राइटनेस है, तो इसको मैं मीडियम पर कर देता हूँ। और ये न्यू कंट्रोल सेंटर है Xiaomi का। तो आ जाते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स की बात की जाए तो यहाँ पर अबाउट फ़ोन, और यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन 11 दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो CPU ऑक्टाकोर मैक्स 2.0 GHz का CPU दिया गया है, और इंटरनल स्टोरेज 128 GB है, 6 GB रैम दी गई है इस मोबाइल में। और इसके अलावा यहाँ पर आपको स्पेशल फीचर्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं।
और यहाँ पर गूगल की एप्लीकेशंस वगैरह देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर टूल्स वगैरह दी गई हैं और कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस देखने को मिल जाती हैं, जिसमें फेसबुक, टिकटॉक, WPS, ऑफिस, दराज और स्नैक वीडियो दी गई है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको मैं इस मोबाइल का स्पीकर जो है वो भी चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर आप स्पीकर देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा स्पीकर है। एक स्पीकर यहाँ पर दिया गया है और एक स्पीकर बॉटम पर दिया गया है। जो मेन स्पीकर है वो बॉटम पर दिया गया है, तो ये काफ़ी बड़ा स्पीकर है। आ जाते हैं कैमरा की तरफ और बात करते हैं कैमरा फीचर्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा दिया गया है, जो कि वाइड कैमरा है। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल डेप्थ और 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा दिया गया है। तो सबसे पहले मैं एक पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पिक्चर मैंने क्लिक की है, जिसकी डिटेल्स की बात की जाए तो यहाँ पर 2.74 MB की पिक्चर क्लिक की है इस कैमरा ने। और बाकी कैमरा फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पर अल्ट्रा वाइड मोड भी देखने को मिलता है। तो एक पिक्चर इसकी भी मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अल्ट्रा वाइड मोड है। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड और मोर फीचर्स में हमारे पास नाइट मोड, 50 मेगापिक्सल मोड, शॉर्ट वीडियो, पैनोरामा, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, और यहाँ पर आप इनको एडिट भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर वीडियो की बात की जाए तो यहाँ पर हम 720 30 FPS और 1080 pixel 30 FPS तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्रो कैमरा भी दिया गया है और यहाँ पर AI मोड, HDR, फ्लैशलाइट और यहाँ पर कुछ फ़िल्टर वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। और अगर फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। तो फ्रंट पर एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पिक्चर मैंने क्लिक की है, और अगर इस पिक्चर के डिटेल्स की बात की जाए तो 2.29 MB की पिक्चर क्लिक की है इस कैमरा ने, और इतना कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं है, बस ठीक है। पोर्ट्रेट मोड दिया गया है फ्रंट पर, और मोर में यहाँ पर ये जो बैक वाले फीचर्स हैं वही दिए गए हैं। फ्रंट वीडियो की बात की जाए तो फ्रंट पर हम 1080p 30 FPS और 720 30 FPS तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और फ्रंट पर प्रो कैमरा नहीं दिया गया। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फिंगरप्रिंट की। तो फिंगरप्रिंट जो है वो साइड पर लगाया गया है, साइड माउंटेड है, तो इसकी स्पीड को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हाफ सेकंड का डिले है, इतना फास्ट नहीं है। वो यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं, बस ठीक ही है, इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है। और मोबाइल के वेट की बात की जाए तो इतना ज़्यादा वेट नहीं है इस मोबाइल का। 5000 mAh की बैटरी दी गई है, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है ये मोबाइल। और भाई ये थी आज की Redmi 10 की अनबॉक्सिंग वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।